हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर कल आपको मिलने वाले। हाँ, जिस अकॉर्डिंग से मैं आपको बताता जाऊँ, बस अगर आप उसी तरह से पढ़ेंगे ना तो 100% सारे क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम पर मिलेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर बोलते हैं सर क्वेश्चन जो आपने बताए थे वो फंसे ही नहीं। ठीक है, और जो स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं उनके जो कमेंट्स आते हैं वो बोलते हैं हाँ सर आपने जितना बताया था वो कुछ आया हुआ था। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि ऐसे ही आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन वो लगातार आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्त। हाँ दोस्त, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, जिन स्टूडेंट को अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आपकी है ना थर्ड बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, वो स्टूडेंट हमें कमेंट कर अभी बता दें, उनके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट को अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है वो कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल 100% श्योर है कि वो पास होंगे, जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आप कॉपी वगैरह लिखेंगे तो। ठीक है, तो जिनको अगर बिल्कुल नहीं आता है सिर्फ वही लोग कमेंट कर बताएं, तो उनके लिए वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा और उनको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि वो भी पास हो जाएं, किसी भी स्टूडेंट की बैक ना आए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जो PDF और नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होता है तो आप मैकेनिकल गाइड सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपका दोस्त जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर पर ये क्वेश्चन आपका आता है, जेकोबियन से बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा जा चुका है, तो इस साल भी पूछे जाने के चांसेस हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है ना, वो क्वेश्चन तो आपके और भी सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको तो क्वेश्चन का आंसर भी पता हो जाता है। अगर आप आंसर उसका नहीं भी ला पा रहे हैं तो भी लास्ट में जाइए चुपचाप से उसका आंसर वही लिख दीजिए जो लेकर आपको आना है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपके कुछ स्टेप्स वगैरह देखता है, उसके बाद आपको आंसर देखता है, आंसर सही है नंबर आपको फुल फुल दे देता है। तो आपका दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया है वो है U1 = X2 X3 / X1, U2 = X1 X3 / X2, U3 = X1 X2 / X3। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, तो आपको सिद्ध क्या करना है, जे ब्रैकेट में U1 U2 U3 = 4 प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, बस वैसे ही आप लोगों को करते हैं ना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाइए, मैं एक एक को आपको बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर दिया गया है सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि जो आपका यू वन है उसका एक बार एक्स के सापेक्ष आपको आकलन करना है, एक बार उसका वाई के सापेक्ष, एक बार X1 के सापेक्ष दोस्त आकलन करना है, एक बार आपका X2 के सापेक्ष आकलन करना है और एक बार X3 के सापेक्ष आकलन करना है। ठीक है, U1 का इसी तरह जो आपका U2 दिया गया इसमें भी आपको एक बार X1 के सापेक्ष आकलन करना है, इसका एक बार X2 के सापेक्ष आकलन करना है, एक बार X3 के सापेक्ष आकलन करना है, इसी तरह इसमें भी करना है, U3 में भी आपको। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए U1 का आकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले U1 का जो दोस्त हम लोग जो आकलन करेंगे वो किसके सापेक्ष करेंगे, हम लोग X1 के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो U1 का जब हम लोग दोस्त X1 के सापेक्ष आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेवर U1 / डेवर X1। ठीक है, बराबर, तो जब इसका आकलन करेंगे तो क्या होगा, X2 और जो X3 है वो हमारा किस में हो जाएगा, कॉन्स्टेंट में हो जाएगा, ये जब बाहर हो जाएगा 1 / X1 का आकलन क्या होगा, माइनस का 1 / X1² हो जाएगा, तो ये इसका आकलन हो गया। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग डेवर U1 / डेवर X2 का आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा X3 / X1। अगर दोस्त आपको आकलन नहीं आता है तो आपको आकलन सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग U1 / U1 / X3 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, X3 / X1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये दोस्त X3 नहीं, ये आपका X2 होगा। ठीक है, X2 / X1 होगा। अब इसी तरह हम लोग जब नेक्स्ट वाले का आकलन करेंगे, U2 वाले का करेंगे, U2 = X3 / X1 / X2 दिया गया है, जब इसका आकलन इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो X1 के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या होगा आपका, बचेगा आपका डेवर U2 / डेवर X1, तो इसका हो जाएगा X3 / X2, क्योंकि X1 का आकलन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका सबका आकलन हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग जब U3 वाला करेंगे, U3 का भी आकलन इसी तरह हम लोग निकालेंगे, जैसे हमने आपको U1 का करके बताया, U2 का और U3 का।
ठीक है, तो इन तीनों का आपको आकलन कर लेना है। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो आपको दिया गया था जे यू वन कामा यू टू कामा यू थ्री, इसकी जगह पर आप इतना लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन आप इतना लिख सकते हैं क्योंकि जो हमारा यू वन है उसका हमने एक्स वन के सापेक्ष भी आकलन किया, एक्स टू के सापेक्ष भी आकलन किया और एक्स थ्री के सापेक्ष भी दोस्तों हमने आकलन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यू टू और यू थ्री का भी हमने आकलन किया है, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं डेवर यू वन कामा यू टू कामा यू थ्री अपॉन डेवर एक्स वन कामा एक्स टू कामा एक्स थ्री, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा योग। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे सारणिक फॉर्म पे लिखेंगे, जितने भी हमारी जो दोस्त हमें वैल्यू प्राप्त हुई हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सारणिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें देखिए डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स वन की हमें वैल्यू मिली है, डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स टू की वैल्यू भी मिली हुई है और डेवर यू वन अपॉन एक्स डेवर एक्स थ्री की वैल्यू मिली, इसी तरह इसमें यू टू की वैल्यू मिली हुई है डेवर इसमें और नीचे वाले में हमें यू थ्री की वैल्यू मिली, तो इन सबको उठाकर हम लोग इसमें सारणिक फॉर्म पे रख देंगे पहले, उसके बाद इसको हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सारणिक फॉर्म पे है उसको हम लोग इसको रखेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर रख दिया गया हुआ है, तो सबसे पहले जो डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स वन रख दिया गया, उसके बाद डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स टू डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स थ्री रख दिया गया, इसी तरह यू टू वाला रख दिया गया और इसी तरह यू थ्री वाला भी आपका रख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो इनकी हमें वैल्यू मिली थी, अब इन वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया हुआ डेवर यू वन अपॉन एक्स वन की जो हमें वैल्यू दी गई हुई है वो क्या है यहाँ पर माइनस एक्स टू इंटू एक्स थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी सबकी जो हमें वैल्यू मिल गई है, इन सबकी क्या करेंगे हम लोग वैल्यू इन सबकी जगह पर क्या करेंगे वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, तो इनकी जो वैल्यू है वो रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू जो हम लोग इनकी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जे यू वन कामा यू टू कामा यू थ्री बराबर डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हमने रख दी, डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स टू की वैल्यू रख दी, इसी तरह हमने डेवर यू वन अपॉन डेवर एक्स थ्री की वैल्यू रख दी, तो इन सब की हमने वैल्यू रख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हमें दोस्त कॉमन क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले से हमें कॉमन मिल जाएगा वन अपॉन एक्स वन का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, नीचे वाले से हमें वन अपॉन एक्स टू का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और सबसे लास्ट वाले से हमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो जब इनसे हम ये सब कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या बचने वाला है माइनस एक्स टू एक्स थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स वन और एक्स वन एक्स टू, नेक्स्ट पंक्ति में आपका क्या बचेगा एक्स टू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री एक्स वन, ठीक है। इसी तरह इसमें एक्स वन एक्स टू बच जाएगा आपका और थर्ड जो आपकी पंक्ति दी गई उसमें बच जाएगा एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन माइनस का एक्स वन और एक्स टू आपका बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इससे ऊपर से कॉमन क्या मिल जाएगा उसको भी देख लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमको जो ऊपर वाली आपकी जो कॉलम है उससे हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, इस वाले कॉलम से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा आपका एक्स टू एक्स थ्री, देखिए इस पूरे से हमें एक्स टू और एक्स थ्री कॉमन मिल रहा है, तो इससे हम एक्स टू और एक्स थ्री बाहर निकाल लेंगे कॉमन लेकर, इस वाले से हमें क्या मिल रहा है एक्स थ्री एक्स वन कॉमन मिल रहा है इस पूरी कॉलम से, तो इससे हम पूरा एक्स थ्री और एक्स वन को कॉमन निकाल लेंगे और इस वाले से पूरा हमें क्या कॉमन मिल रहा है एक्स वन एक्स टू मिल रहा है, तो इन सबको जब हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर इंटू एक्स टू का स्क्वायर इंटू एक्स थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और आपका फिर अंदर क्या बचेगा माइनस वन वन वन, ठीक है, वन माइनस वन और वन, ठीक है, वन वन माइनस का वन आपका बच जाएगा, इतना आपका बच जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर वाला ऐसे ऐसे कट जाएगा पूरा आपका क्योंकि सेम है और बटे में है, ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे इसे सारणी का जो होता है डायरेक्ट प्रसार कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसका डायरेक्ट जब प्रसार करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रसार करना तो आपको आता ही होगा और कई बार मैंने बता भी रखा है, नहीं आता आपको तो इन सब की जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, तो उन वीडियोज़ को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो इतना आपका हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जब इसका हम लोग जो प्रसार करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा और हमें यही प्रूफ करके लाना था जे यू वन कामा यू टू कामा यू थ्री बराबर फोर, हमें प्रूफ करके लाना था जो कि हमारा आ चुका है। जो मैं आपको बता दूँ पाँच नंबर और क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम पर आने वाला है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, जो आपका आव्यूह दिया गया हुआ है, यदि आव्यूह, ठीक है, इफ मैट्रिक्स जो आपका आव्यूह दे रहा है इसका आपको क्या करना है फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस टू ए का आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, इसको मैं आपको
आप भी का जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वीडियोस बनाकर बता दिया, तो उन वीडियोस को हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहां से जाकर आप इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बता रहा हूं, ये आपका पूछा जा सकता है। तो आप जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिली हुई है, तो ए इंटू ए आप जब कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और जब जब आप 2a की वैल्यू निकालेंगे, जब आप 2a की वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका a बराबर आपका पूरा आव्यूह दिया गया, इसमें सब आव्यूह के सभी पंक्ति और स्तंभ में आप क्या करा देंगे, 2 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो आपको 2a की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर की वैल्यू और जो 2a की वैल्यू की आपस में घटा देंगे, इन दोनों को जब आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका जो आव्यूह है वो आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं आव्यूह चैप्टर से आपका 10 से 15 नंबर का 101% पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो पूरा आव्यूह हमने आपको बता दिया, पहले से ही हमने बता कर रखा हुआ, तो वीडियोस बनाकर हमने आपको बताया, तो उन वीडियोस को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आव्यूह में ऐसा नहीं छूटा जो मैंने आपको ना बताया, कोई भी ऐसा मेथड ना हो, ठीक है। तो सारे मेथड हमने आपको बता रखे हैं। और आव्यूह में आपको ए इनवर्स ज्ञात करना, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना, ठीक है। और आपका आव्यूह विधि से समीकरण को सॉल्व करना, अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना, आइगन मान और आइगन सदिश, तो ये सारे आपके आव्यूह चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त अगर बात करें हम लोग, जो आपका दे रहा है, यदि यदि यू बराबर एक्स एक्स की पावर वाई, तो सिद्ध आपको करना है डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई बराबर डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर वाई इंटू डेवर एक्स, क्योंकि बहुत सिंपल तरह से यह हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो आपको यू बराबर ये दे रखा है, इसका एक बार आपको आकलन जो करना है वो किसके सापेक्ष करना है, एक बार एक्स के सापेक्ष करना है, और जो कुछ आएगा उसी का आकलन आपको पुनः वाई के सापेक्ष कर देना है, ठीक है। तो देखिए चलो मैं आपको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ। यू बराबर एक्स की पावर वाई है, तो इसका जो हम लोग आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब x की पावर n का फार्मूला क्या होता था, x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, जो जो x की घात में होगा वो आगे आ जाएगा और उसकी घात में घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y x की पावर y माइनस वन, x की पावर n के फार्मूले से ये हुआ है, ठीक है। अब हमें जो कुछ मिला इसका हम लोग क्या करेंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, फिर से डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर x इंटू डेवर y, ठीक है। तो y के सापेक्ष इसका हम लोग जब पुनः करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया हुआ है, तो इसका जब हम लोग पुनः y के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगेगा आकलन का, जिस फार्मूला उसका था फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे ही, सेकेंड फंक्शन का आपका क्या होता है आकलन होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन आपका ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का आकलन, जो कि यहाँ पर आपको करके बताया गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया हुआ है, और इसको आपको इसकी जो हमें वैल्यू मिल गई, ये क्या मिल गई, समीकरण नंबर एक बराबर डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर वाई इंटू डेवर एक्स, ये हमें वैल्यू मिल गई। इसी तरह हम लोग फिर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डेवर स्क्वायर यू अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई, तो दोनों की जो क्या होगी दोस्त वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी, और तो क्या हो जाएगा आप प्रूफ करके लिख सकते हैं, हाँ दोनों इक्वल क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट की बात अगर हम लोग दोस्त बताएं करें, तो आपका जो लाप्लास रूपांतरण है और लाप्लास है, इनसे भी एक या दो क्वेश्चन 101% आता है इस चैप्टर से आपका, तो इसके भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। और आप भी से जितनी भी रिलेटेड डिफिनेशन है, ठीक है, सममित आव्यूह, विषममित आव्यूह, इकाई आपका आव्यूह और विकर्ण और त्रिभुजी आव्यूह को परिभाषित कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम पर पूछा भी गया है, तो इनके जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का, उसमें हमने सारी डिफिनेशन आपको बता दी है, तो उन डिफिनेशन को आप हमारे उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डिफिनेशन है उसकी बात कर लें हम लोग, जो आपका विकर्ण आव्यूह होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, ठीक है, कोई वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण तथा जिसके विकर्ण तत्वों के अतिरिक्त सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब जो आपका डायगोनल आव्यूह होगा दोस्त, उसमें आपके जो बीच के अवयव होंगे उनको छोड़ के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ये आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका जो दे रहा है ट्रेंगुलर आव्यूह, त्रिकोणीय आव्यूह, ठीक है। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए का मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के अवयव सभी अवयव शून्य हो, तो क्या कहलाएगा आपका, त्रिकोणमितीय आव्यूह कहलाता है। जो आपका होता है ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, इसके भी क्या होने चाहिए, ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो आपका क्या कहलाता है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है।
ठीक है दोस्त, जिन जिन स्टूडेंट को मैथ समझ में नहीं आ रही हूँ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं, क्या उनके लिए मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं जिसमें उनको मैं बता दूंगा एकदम अच्छी तरह से वो पास कैसे हो सकते हैं, ठीक, उनको कॉपी कैसे लिखनी ताकि उनकी बैक वगैरह ना आए, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट लगातार करते रहिए दोस्त, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें भी हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे, उसकी जो क्लासेस होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, आप भी उनका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 101% ये क्वेश्चन आपका आप भी से पूछा जाना है, आप भी उनका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर बोल सकता है आप भी उनका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, या फिर बोलेगा सेखंडज आप भी ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों केसेस में आपको बस एक ही चीज़ करना है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कल भी मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप व्यू का व्युत्क्रम ज्ञात करना, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसको ए बराबर हमने मान लिया और इसका हम लोग क्या करेंगे, सारणिक निकाल लेंगे। सारणिक इसका हमने निकाल लिया, सारणिक का मान दिया हमारा क्या होना चाहिए दोस्त, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाता है तो वहीं पर हम लोग एक लाइन लिख देंगे, इसका सेखंडज आप ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये डायरेक्ट लिख देंगे। अगर आपसे बोलता है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ए वन वन निकाल लेंगे, ए वन टू निकाल लेंगे और ए वन थ्री निकाल लेंगे। ए वन वन का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, बाकी जो होगा शेष उसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से अप्लाइड मैथमेटिक्स जो थर्ड की वीडियो बनाई आप भी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से समझाया, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसमें इतना सॉल्व कराने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। अगर सॉल्व कराता हूँ तो वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें हम लोग ए वन वन की वैल्यू निकाला, ए वन टू की वैल्यू भी निकाल लेंगे और ए वन थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट में निकालेंगे ए टू वन की वैल्यू निकालेंगे, ए टू टू की वैल्यू निकालेंगे और ए टू थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ए थ्री वन की वैल्यू निकाल लेंगे, ए थ्री टू की और ए थ्री थ्री की। इन सब की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका बनाएंगे एडजॉइंट ए, जिसे हम लोग बोलते हैं सेखंडज आव्यूह, ठीक है। जब आपसे बोलेगा तो सेखंडज आव्यूह के लिए आपको यहीं तक करना होगा, सेखंडज आव्यूह इसका हम लोग जब निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमें दोस्त ए वन वन की वैल्यू मिली थी उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ए वन टू की जो हमें वैल्यू मिली थी यहाँ पर, जो ए वन थ्री की वैल्यू जो मिली थी यहाँ पर, जो ए टू वन की वैल्यू मिली थी यहाँ पर, ए टू टू की वैल्यू यहाँ पर, ए टू थ्री की वैल्यू यहाँ पर, ए थ्री वन की वैल्यू यहाँ पर, ए थ्री टू की वैल्यू यहाँ पर और ए थ्री थ्री की वैल्यू यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे, सेखंडज बने सेखंडज आव्यूह को क्या लिखेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालने पर। तो परिवर्त आव्यूह क्या मतलब क्या होता है, जो आपकी पंक्ति में जितना भी दिया गया है उसको हम लोग स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो ये आपकी पंक्ति क्या है, माइनस थ्री माइनस वन फाइव, तो इसको हम लोगों ने देखिए स्तंभ में चेंज कर दिया, ये वाली पंक्ति को भी स्तंभ में और इस वाली पंक्ति को भी स्तंभ में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इन सबको स्तंभ में चेंज कर देंगे। अगर आपसे बोलता है सेखंडज आव्यूह याद कीजिए तो आपको यहीं तक करना होगा, ठीक है। जब आपसे व्युत्क्रम आव्यूह और ए इनवर्स कहता है तो इसको आपको आगे सॉल्व करना है। अब आगे क्या सॉल्व करना है, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस जरा से ये आपको लिख देना है ए इनवर्स बराबर वन अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आपने जो मॉड ऑफ ए की भी वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, फोर थी, तो हमने यहाँ पर रख दिया मॉड ऑफ ए की, तो क्या हो जाएगी वन अपॉन फोर, और ए डी जे ए की वैल्यू जो आपने अभी निकाली है वो क्या है, ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो इसका जो आंसर हमें ए इनवर्स की हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है दोस्त। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यदि x बराबर r साइन थीटा cos फाई कामा y बराबर r साइन थीटा इंटू साइन फाई है, तो आपको क्या याद करना है, z बराबर r cos थीटा दिया गया है, तो सिद्ध करो कि डेवर x कामा y कामा z अपॉन डेवर r कामा थीटा कामा फाई बराबर साइन r साइन स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करके लाना है, जो कि बहुत सिंपल तरह से आ जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, करना आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है सबको आपको एक बार डिवर जो आपका है इसका एक्स का आर के सापेक्ष आकलन कर लेना है, या आपका जो दिया गया एक बार इसको आपको आर के सापेक्ष आकलन करना है, एक बार थीटा के सापेक्ष आकलन करना है और एक बार फाई के सापेक्ष आकलन करना है, तो तीन बार आकलन आपको करना है। इसी तरह जो आपका जब डिवर वाई वाला दिया गया है तो इसका जब आप लोग करेंगे तो एक बार डिवर वाई का आर के सापेक्ष आकलन, एक बार डिवर थीटा के सापेक्ष आकलन और एक बार फाई के सापेक्ष आकलन करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। इसी तरह जो आपका जेड वाला दिया गया इसमें हम लोग किस तरह करेंगे, इसमें भी हम लोग तीन तरह से करेंगे, डी जेड डेवर जेड अपॉन डेवर आर डेवर जेड अपॉन डेवर थीटा डेवर जेड अपॉन डेवर फाई, तो इन सब का आकलन कर लेंगे, जो आकलन की वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, सारणिक के फॉर्म पर यहाँ पर रख देंगे,
ठीक है, सारणी के फॉर्म पर यहाँ पर हम लोग रख देंगे, जो सारणी के फॉर्म पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे सारणी को हम लोग सॉल्व करते हैं, सारणी को सीधे सीधे तरह से सॉल्व कर लेंगे, और जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर आप अच्छी तरह सही तरह से सॉल्व करते हैं, तो इसका जो आपका वैल्यू क्या है वो यही आने वाली, r² sin थीटा। अगर ये आपकी वैल्यू नहीं भी आती तो आपको करना क्या है, चुपचाप बिना किसी को बताए इसको आंसर को लास्ट में जो है नोट कर देना, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर को भी पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो आपका स्टेप वगैरह को चेक करेगा और उसके बाद नीचे आंसर देखेगा, हाँ आपको दिया, यही प्रूफ वर्क लाना था, अगर आप यही प्रूफ करके लिए आए हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा r² sin थीटा। ठीक है, क्योंकि आपकी ये मैथमेटिक्स, इसमें फुल में फुल मार्क्स आपको मिलते हैं हर क्वेश्चन में अगर आपका सही है तो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कोई आपको दो भागों को हल करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको बता रखे हैं कल। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन एक बनता है आप व्यू से, यदि आप व्यू ए बराबर, इतना आपको आप व्यू दिया गया, तो आपको पहले इसका ए इन्वर्स ज्ञात करना है, उसके बाद जो आपको इसका समीकरण दिए गए हैं उसको ज्ञात करना है। सीधे सीधे कहने का मतलब आप व्यू विधि से समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाकर अपलोड किया है चैनल पर, तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत विधिवत तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ए इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालने के लिए भी हमने आपको बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले आपको मॉड ऑफ ए निकालना होता है, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जीरो नहीं आनी चाहिए, अगर जीरो आएगी तो इसका हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग a11 निकालेंगे, a12 a23। ठीक है, ऐसी तरह हम लोग निकालेंगे। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, शेखंडा जाव्यू बनाएंगे, शेखंडा जाव्यू से बना आव्यू को क्या करेंगे हम लोग, परिवर्ताव्यू करेंगे, और उसके बाद हम लोग किस क्या निकालेंगे, इसका a इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो a इनवर्स यहाँ तक आपने निकाल लिया, इनवर्स हमने आपको निकाल कर अभी बताया भी है पीछे ही। उसके बाद यहाँ पर दिए हुए समीकरणों का निकाय आव्यू के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, तो जो आपके समीकरण दिए गए हुए थे क्या होगा, a इंटू एक्स बराबर बी, इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। तो आपका जो समीकरण दिया गया था 7-1, 1। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति में 10-2 और 1। ठीक है, उसके बाद जो आपका दिया गया है xyz = 0, 8, 7, ये आपके समीकरण इस तरह दिया गया, तो इनको इस तरह से लिख दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर a इंटू एक्स बराबर बी दिया, तो अगर ए को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर बी इंटू ए इन्वर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड होने के बाद ही क्या हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू ए इन्वर्स की वैल्यू भी हमने यहाँ पर ये देखिए दोस्त निकाल रखी, तो ए इन्वर्स की हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। उसके बाद हमें बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू क्या है, ये है 087। तो 087 क्या, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इधर से इस वाली पंक्ति का उठाकर इस वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा देंगे, इस तरह तीनों पंक्तियों को उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, और उसके बाद इसके हमें आंसर पूरे मिल जाएंगे। x कामा y कामा z की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 3 और z बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका आप विधि से समीकरण को सॉल्व करना था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है दोस्त, जो आपकी आयलर प्रमेय है, ठीक है, यूलर थ्योरम, ठीक है, उससे भी बनता है। यूलर थ्योरम के भी हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अलग से वीडियो बनाकर बताए हुए हैं, तो उन वीडियो से भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब दोस्त यही है मेरे। ठीक है, यू बराबर लॉग x² + y² / x + y, इतना दिया गया, तो आपको सीधे क्या करना है, x/u/x + y/u/y बराबर आपको 1 प्रूफ करके लाना है, जो कि बहुत सिंपल तरह से यूलर थ्योरम के द्वारा आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अगर लॉग है इधर, लॉग को हम लोग उधर उस साइड भेजेंगे बराबर की उस तरफ, यहाँ इसमें क्या होता है, बेस होता है, बेस ई होता है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर यू होता है, ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। अगर लॉग को उस तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो ई की पावर यू हो जाएगा, ये आपका ये क्वेश्चन अब ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जेड बराबर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे जेड बराबर ई की पावर यू बराबर x² + y² / x + y। ठीक है, इतना हम लोग इसको मान लेंगे। मानने के बाद क्या करेंगे, हमें इसकी क्या करना है, तो जब आयलर प्रमेय को दोस्त हम लोग लगाते हैं तो हमारी तभी हम लगाएंगे, हमारी क्या होती है, घातें एकदम सेम होती हैं, घातें मतलब समान होनी चाहिए, ऊपर की घातें और नीचे घातें समान होनी चाहिए। तो ऊपर की घात देखिए स्क्वायर में और नीचे घात कितनी 1 है, तो इसकी घातें समान नहीं है। घातों को समान करने के लिए ऊपर से x² को कॉमन और नीचे से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब
कॉमन ले लेंगे तो इतना आपका बचेगा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स की घात एक कट जाएगी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएंगी, तो हमारी घातें होंगी, फिर इसको इस फॉर्म पे ऐसे लिख देंगे, घातें हमारी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अतः अब हम लोग यूलर प्रमेय के द्वारा से कार्य आगे करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो यूलर प्रमेय होगी वो क्या होगी, एक्स डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर जेड अपॉन डेवर वाई बराबर क्या होता है, एन यू होता है, ठीक है। तो एन यू होता है, लेकिन हमारी जो एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो हमारा फलन अब कितने घात पर आ गया, एक घात पर आ गया, तो एन की जगह पर यहाँ पर क्या रख दिया गया, तो वन रख दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वन जेड हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। और हमने दोस्त जेड बराबर क्या माना था, ई की पावर यू माना हुआ था, तो इस जेड की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ई की पावर यू रख देंगे, ठीक है। जब इस जेड की जगह पर हम लोग ई की पावर क्या रख देंगे, यू रख देंगे, जब इस जेड की जगह पर हम लोग ई की पावर यू रख देंगे, तो देखिए आपका क्या होने वाला है, इस सब की जगह पर ई की पावर यू रख दिया गया है, ठीक है। तो ई की पावर यू रख दिया गया, इतना आपको समझ में आ गया। दोनों तरफ से हमको यू ई की पावर यू कॉमन मिल जाएगा, अंदर आपका बचेगा एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपॉन डेवर वाई, ठीक है। तो इस यू आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन। और हमें यही प्रूफ करके लाना था जो कि हम लोग ले आए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो आपको दे रहा है यू बराबर ए की पावर एक्स वाई जेड है, तो आपको क्या प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करके लाना है डेवर क्यूब यू अपॉन एक्स वाई डेवर एक्स डेवर वाई डेवर जेड प्रूफ करके लाना है, ठीक है। प्रूफ करके इसका वैल्यू आपको क्या लाना है, वन प्लस थ्री एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड, जो कि बहुत सिंपल तरह से आ जाएगा। कहने का मतलब आपको जो ये क्वेश्चन दे रहा है, इसका आपको बेसिक अवकलन कितने बार करना है, तीन बार करना है। एक बार डेवर एक्स के सापेक्ष जो आएगा उसका, उसी का अवकलन डेवर वाई के सापेक्ष, और फिर से जो आएगा उसी का अवकलन डेवर जेड के सापेक्ष करना है, और ये आपका प्रूफ होकर ऑटोमेटिक आ जाने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी मैंने अलग से बताकर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका दिया गया यू बराबर लॉग एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड का स्क्वायर यू बराबर माइनस का नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके लाना, जो कि बहुत सिंपल तरह से आपका प्रूफ होके आ जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ हो जाएगा, अगर बात करें इसकी हम लोग दोस्त, ये आपका क्वेश्चन दिया गया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है, इसी का हम लोग एक बार क्या करेंगे, जो दिया गया क्वेश्चन एक बार हम लोग इसका डेवर एक्स के सापेक्ष आकलन कर लेंगे, एक बार डेवर वाई के सापेक्ष, और एक बार डेवर जेड के सापेक्ष आकलन कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये पूरा दे रहा है, इसका एक बार डेवर एक्स के सापेक्ष करेंगे, देखिए हम एक का मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, बाकी का आप लोग समझ जाएंगे। डेवर यू अपॉन डेवर एक्स का जब आकलन करेंगे, इसका हम लोग एक्स के सापेक्ष जब आकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का आकलन होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। क्योंकि एक्स हमने इसको पूरा माना है, अब जिस चीज़ को हम मानते थे उसका हम लोग क्या करते थे, पुनः आकलन करते थे। जब इसका हम लोग पुनः आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी इन दोनों में एक्स नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें थ्री एक्स वाई जेड जो है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वन हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री वाई जेड हो जाएगा, इतना आपको मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग इसी जो अपना है, इसका हम लोग वाई के सापेक्ष करेंगे और जेड के सापेक्ष भी कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपका बोर्ड एग्जाम पर। इसी तरह हम लोग देखिए, इसका वाई के सापेक्ष कर लिया अवकलन और जेड के सापेक्ष भी कर लिया। अब इन तीनों में जो कुछ हमें मिला, इन तीनों को क्या करेंगे, हम लोग समीकरण डाल देंगे, एक दो तीन डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा समीकरण एक दो तीन को आपस में जोड़ने पर। जब आप इन तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, देख लीजिए, आपका समीकरण जब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका इतना बनने वाला है, ठीक है। जब ये आपका बन जाएगा, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फार्मूला होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये हमने रख दिया, इतना आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। तो इससे ये आपका कट जाएगा, तो नीचे आपका क्या बचेगा, अब फिर आपका बचेगा ये डेवर यू प्लस डेवर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर यू अपॉन डेवर जेड और थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना आपको बचेगा।
ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से क्या ले लेंगे, क्वेश्चन से हम लोग LHS ले लेंगे, तो RHS को हम लोग प्रूफ करके आसानी से ले आएंगे। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन से ले लिया, डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड का होल स्क्वायर बराबर यू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, कैसे देखिए, ये स्क्वायर था, इसको हम लोगों ने दो तरह से किया, तो डेवर डी डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड, और जो हमारा यू था इस वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर यू अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर एक्स यू अपॉन डेवर जेड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये दी गई हुई है, इसकी वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे। जब इतना लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या होगा, पुनः आकलन हो जाएगा, एक बार इसका पूरे का x के सापेक्ष आकलन, एक बार इसका पूरे का डेवर अपॉन डेवर y के सापेक्ष आकलन, एक बार इसका पूरा z के सापेक्ष आकलन। इन तीनों का जब हम लोग आकलन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जब x के सापेक्ष इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन x दिया गया है, थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया, तो इसको हम लोग पूरा एक्स मानेंगे, तो वन अपॉन एक्स का आकलन होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आकलन ये होगा, इसी तरह वाई को करेंगे तो इसका आकलन ये होगा, इसी तरह जेड वाले को करेंगे तो इसका आकलन ये होगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्त हमें नीचे से एलसीएम मिल जाएगा और ऊपर से क्या क्या हो जाएगा, ऊपर से कॉमन मिल जाएगा हमें तीन। ठीक है, तो इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड का स्क्वायर यू बराबर माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करके लाना था, जो कि हम लोग ले आए बहुत सिंपल तरह से। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दोस्त, उसकी बात कर लें अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपका डाइवर्जन कर्ल चैप्टर है ना, और ग्रेडियंट, उससे ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते, कर्ल का एक क्वेश्चन और एक डाइवर्जन और ग्रेडियंट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यदि वेक्टर एफ बराबर आई कैप एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस जे कैप प्लस माइनस एक्स माइनस वाई और के कैप, तो आपको सिद्ध करना है वेक्टर एफ डॉट कर्ल वेक्टर एफ बराबर जीरो प्रूफ करके आपको लाना है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने के इसके चांसेस दोस्त बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखिए जो आपका दिया गया है, ये वेक्टर एफ बराबर आपको दे रहा है, ये इसकी वेक्टर एफ की वैल्यू दे रखी है, तो हमने वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई पहले। अब इसके बाद हमें कर्ल ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कर्ल हमें ज्ञात करना होता है तो हम लोग जो आपका ग्रेडियंट होता है उसको लिखते हैं और उसका क्या करते हैं, सारणिक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर्ल एफ बराबर ग्रेडियंट एफ इंटू वेक्टर एफ, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सारणिक निकाल लेंगे। सारणिक देखिए कैसे निकालेंगे, ऊपर हम लोग इसको क्या करेंगे, आई जे के आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे, डेवर अपॉन डेवर एक्स लिख देंगे, डेवर अपॉन डेवर वाई लिख देंगे, डेवर अपॉन डेवर जेड लिख देंगे। ठीक है, और हमें कर्ल जो एफ है, जो हमें सॉरी वेक्टर एफ है दोस्त, उसकी वैल्यू हमें पता है, वेक्टर एफ की हमने वैल्यू एक एक को रख दिया यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसका हम लोग इसका जब सारणिक निकालेंगे तो क्या होगा, इसका सारणिक आप लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जब पहले निकालेंगे तो आई वाले निकालेंगे, आई कैप यहाँ पर लिखेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग जे कैप का निकालेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये वाले हटेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग के वाले का इसी तरह हम लोग निकालेंगे तो क्या होने वाला है, के वाले के लिए ये आपकी पंक्ति और ये हट जाएगी, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये हो जाएगा, और कुल मिला के आपको करना क्या है, लास्ट में इन सबको क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, तो आपको जब कर्ल वेक्टर एफ आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई कैप प्लस प्लस जे कैप माइनस का के कैप। अब इसके बाद हम लोग पुनः इसको क्या करेंगे, वेक्टर एफ डॉट कर्ल वेक्टर एफ कर देंगे। ठीक है, तो जो हमें इसकी वैल्यू मिली है कर्ल एफ की, उसको हम वेक्टर एफ के साथ फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। जब इसका हम लोग पुनः डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, हमें जीरो मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पे एक तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है, यदि x बराबर r cos थीटा कम y बराबर r sin थीटा है, तो आपको दिखाना है कि j डैश बराबर 1 अपॉन j तथा j डैश बराबर डेवर r कम थीटा अपॉन डेवर x कम y है, तथा j बराबर डेवर x कम y अपॉन डेवर r कम थीटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये करना है, निकाल कर लाना है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है,
क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो दे रखा है ना, एक बार आप इसका थीटा के सापेक्ष आंशिक आकलन कर देंगे और एक बार इसका आप आर के सापेक्ष आंशिक आकलन कर देंगे इसका, ठीक है। तो जो कुछ भी इसके बाद आपको मिलेगा, ये देखिए आपसे यही बोला गया, यहाँ पर ये दिया गया है, एक बार थीटा के सापेक्ष आंशिक आकलन करना है, एक बार आर के सापेक्ष आंशिक आकलन करना है, किसका, इसका करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो भी सारणी फॉर्म में बनेगा हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो इसकी दोस्त जो हमें वैल्यू मिलने वाली, वैल्यू क्या आएगी इसकी, आर वैल्यू आएगी। अब उसके बाद जो आपका समीकरण ये दे रहा था, इसके बाद जो आपके ये दे रहा है एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा दे रहा है, तो इसको डालेंगे समीकरण नंबर एक, इसको डालेंगे समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो क्या कर देंगे, आपस में भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देने पर क्या आएगा, देखिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी मैंने अलग से सॉल्व करके बताया, तो इसका भी वीडियो आप हमारे चैनल पर प्रोवाइड है, वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। हमने आपको क्या बताया था कि समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो करके ऐसे डाल देंगे, उसके बाद इसका क्या कर देंगे, दोनों का भाग कर देंगे, तो आर से आर आपका कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कुछ इसकी बात नहीं कर सकते, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन है पूरा आगे तक सॉल्व हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, आपको अगर अच्छा समझना है तो आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की बनी है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो हमने अलग से सॉल्व करके बताया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो क्वेश्चन है, एक्स बराबर यू ब्रैकेट में वन प्लस वी और वाई बराबर वी वन प्लस यू है, तो ज्ञात कीजिए डेवर एक्स कामा वाई अपॉन डेवर यू कामा वी। इस क्वेश्चन को मैं फिर से आज बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल ही इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो उस वीडियो में अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा, एक या दो नंबर पर यह क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपका जो फोरियर श्रेणी है उससे पाँच नंबर का एक क्वेश्चन 101% आने वाला है, जो आपका प्रायिकता है उससे एक क्वेश्चन 101% आएगा, तो इनको आप जरूर देखिएगा, प्रायिकता हो गई आपकी और जो फोरियर श्रेणी है इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, पाँच पाँच नंबर पर दो क्वेश्चन, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, आपकी जो अवकल समीकरण है उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर ये देखिए आपका जो क्वेश्चन एक दिया गया, ये आपका दो नंबर पर आएगा प्रायिकता से, एक लीप वर्ष में आपके 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका लीप वर्ष मतलब कि एक वर्ष में कितने 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, अर्थात आपका क्या होगा 52 सप्ताह और दो दिन होंगे, तो दो दिन के जो आपके प्रकार होंगे वो क्या होंगे उसको देखिए, जो आपके दो दिन के प्रकार होंगे सोमवार मंगलवार मंगलवार बुधवार बुधवार गुरुवार गुरुवार और शुक्रवार शुक्रवार शनिवार शनिवार रविवार रविवार और सोमवार, ठीक है। तो 53 रविवार होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी क्या होगी 2/7 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपका एक सिक्का उछालने की जो प्रायिकता है और एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंद वाली जो प्रायिकता है, ये तीन में से एक क्वेश्चन आपका एक नंबर या दो नंबर पर 101% आने वाला है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है जो कर्ल डिवीजन और ग्रेडियंट वाले से, ये भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड बराबर आपको 4 दे रहा है के बिंदु 2-3 का आपको क्या ज्ञात करना है, ग्रेडियंट ज्ञात कीजिए। तो ग्रेडियंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो दिया गया हुआ क्या करेंगे, ग्रेडियंट बराबर आपको ये सब लिख देना है ऐसे ही। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई कैप डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड होता है, ठीक है। आपका ये तो क्वेश्चन में दिया गया था एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स जेड माइनस का 4, इसको इतना होने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक्स वाले का जो है पहले एक बार पूरे का पूरा जो दिया गया इसका एक बार डिवर अपॉन डिवर एक्स के साथ इसका गुणा हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का निशान, इसी तरह एक बार वाई के साथ और इसी तरह एक बार जेड के सापेक्ष, ठीक है। उसके बाद इस सब को हम लोग अलग अलग से सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व क्या करने के मतलब इसका हम लोग आकलन कर देंगे, ठीक है। इसका एक्स के सापेक्ष आकलन होगा, इसमें वाई के सापेक्ष, इसके जेड के सापेक्ष, जो इनका आकलन होने के बाद आएगा उसका देखिए क्या होगा, जो आपको बिंदु दिए गए हैं 2-3-4, ठीक है, इन पर हम लोग क्या कर देंगे एक्स वाई और जेड के जो बिंदु दिए गए इन सबको बिंदु को रख देंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। तो आपका जो आव्यूह से जो आव्यूह की कोट निकालने की विधि है उसको देख लीजिएगा, आव्यूह की कोट कैसे ज्ञात की जाती है मैंने बता रखा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं आपके ये क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्त, उसकी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। और आपका जो लाप्लास है उससे भी क्वेश्चन बनता है तो उसको भी देख ही लीजिएगा। हाँ, आपका जो आइगन मान ज्ञात कीजिए वो कैसे करेंगे, या फिर आपसे बोल सकता है अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है दोस्त। सबसे पहले आपको आइगन मान या अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करने के लिए तो उसको आपको समीकरण पता होना चाहिए क्या होता है आपका, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक जो आपको समीकरण होता है ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो, तो आपको ए की वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपका जो ए की वैल्यू है वो आपका जो आप भी दिया होगा तो दिया गया होता है वो होता है, और लेमडा आपका क्या होता है, अननोन होता है, ठीक है। आई आपका क्या होता है, इकाई आप भी होता है। अगर हम लोग टू बाई टू आप भी के लिए निकाल रहे हैं तो इकाई आप भी आपका क्या होगा, 1001 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या इकाई आप भी आपका, इसी तरह आपका ये क्या समीकरण ये बन जाएगा, 3 माइनस का लेमडा 2 माइनस का 1 0 माइनस लेमडा बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3 लेमडा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण तो आप लोगों ने 9th और 10th में बहुत ज़्यादा 10th में बहुत ज़्यादा सॉल्व किए ही होंगे, ठीक है। नहीं किए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इसमें लेमडा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस का 2 माइनस 1, इसे माइनस का 1 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस का 2 बराबर 0। तो इसमें हमें लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1,2 आइगन मान हमें मिल जाएंगे 1,2। अगर इसे आप और भी अच्छे तरह समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने इसको बता रखा है, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपका जो दे रहा है, यदि जेड बराबर एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स, तो सिद्ध आपको क्या करके लाना है, डेवर स्क्वायर जेड अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई बराबर डेवर स्क्वायर और डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स। कहने का मतलब जो आपको दे रहा है, एक बार इसका आपको डेवर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, और जो कुछ आएगा उसी का आपको एक बार डेवर वाई के साथ पुनः अवकलन कर देना है, अपने आप प्रूफ होकर आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है दोस्त। ये आपको मैंने अभी बता ही दिया है, जो आपके विकर्ण आपभूत हैं इसकी जो डिफिनेशन है इसे एग्जाम्पल सहित आपको दे रखे हैं, ठीक है दोस्त। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें आपके और भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर उनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, जो आपका आप भी हुआ है उससे आपका 10 से 12 नंबर का, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन से पूछा जाएगा आप भी को जोड़ना घटाना जो हो सकता है क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप भी का ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए, या आप उसमें लिख के आ सकता है व्युत्क्रम आप भी ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। या फिर आपसे बोल सकता है सहखंडज आप भी ज्ञात कीजिए, सहखंडज आप भी में आपको क्या करना होता है, पूरा ए इन्वर्स की तरह ही निकालना होता है, बस बीच में लास्ट में थोड़ा सा नहीं करना होता, ए डी जे का परिवर्तन आप भी तक आपको निकालना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो होता है आप भी विधि से समीकरण को सॉल्व कीजिए, ये आपका होता है। नेक्स्ट आपका जो बनता है क्या बनता है, जो आपके अवकल समीकरण है उनसे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आई एफ और पी वाले उससे एक क्वेश्चन बनता है आपका, जैकोबियन से बनता है, आयलर प्रमेय वाले से बनता है आपका, ठीक है, ग्रेडियंट से बनता है, लाप्लास रूपांतरण से एक क्वेश्चन बनता है, फोरियर श्रेणी से 101% एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, फोरियर श्रेणी से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आपका जो प्रायिकता है उससे एक क्वेश्चन बनेगा, इतने सब कुछ आप अगर पढ़ लेते हैं तो 101% आपका जो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर।